हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, मंगलवार के दिन भूल कर भी ना करी ये काम, वरना बजरंग बली हो जाएंगे नाराज। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन किया जाता है और इस दिन कुछ कार्य को करने से अवश्य बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को मंगल ग्रह का दिन माना जाता है और इस दिन हनुमान जी का पूजन होता है। कहते हैं मंगलवार के दिन पूरी विधि विधान से हनुमान जी का पूजन करने से सभी संकट दूर होते हैं। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसका बुरा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है। ऐसे में मंगलवार के दिन इस तरह से काम करने से बचना चाहिए जिसका अशुभ प्रभाव जिंदगी पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन से काम बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, नंबर एक, न काटे बाल और नाखून। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन बाल कटवाना, शेविंग कराना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन ये काम करने से धन और बुद्धि दोनों की कमी होती है। शास्त्रों के मुताबिक मंगलवार के दिन बाल काटने से उम्र घटने लगती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, मंगलवार के दिन न काटे बाल और नाखून। तो दोस्तों, नंबर दो, धारदार चीजें खरीदने से बचें। मंगलवार के दिन गलती से भी धारदार चीजें जैसे कि चाकू, कैंची या कांटा आदि नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में क्लेश बढ़ता है, यानी कि लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। तो दोस्तों, ये खरीदने से अवश्य बचे। नंबर तीन, काले रंग के वस्त्र पहनना होता है अशुभ। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो किसी पूजा या शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन मंगलवार के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से शनि का प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि शनि और मंगल का संयोग बेहद ही कष्टकारी होता है। मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनना और दान करना शुभ होता है। तो दोस्तों, अवश्य ये ध्यान में रखे कि काले रंग के वस्त्र इस दिन नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, नंबर चार, निवेश या लेन देन न करें। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार के दिन किसी भी काम में निवेश नहीं करना चाहिए, इससे कार्य में असफलता मिलती है। इस दिन को किसी को उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। दोस्तों, अवश्य ध्यान दे कि मंगलवार के दिन निवेश या लेन देन ना करें। तो दोस्तों, नंबर पाँच, चिकन और शराब सेवन न करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और इस दिन भूलकर भी शराब या चिकन का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे पवन पुत्र हनुमान रुष्ट हो जाते हैं और आपके परिवार और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान दें, मंगलवार के दिन चिकन और शराब सेवन ना करें। तो दोस्तों, इस तरह पांच चीजें आप मंगलवार के दिन नहीं करते हैं तो भगवान हनुमान की कृपा आपके ऊपर सदैव रहेगी, यानी कि भगवान आपके हर संकट हर लेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमंते नमः अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।